बीजेपी बीजेपी यकीन से आप कैसे मतलब कह सकते हैं? हमारे दो गांव में लगभग 60% बल्कि 70% लोग वहाँ बीजेपी में पड़े। अच्छा, 70%। मतलब आपको इस सरकार से कौन सी फायदा हुई है ज्यादा? सब फायदा है। मतलब फिर भी कौन कौन से? देखो, एक तो जे लेटरिंग मिली और जे गैस कनेक्शन मिले। हाँ, अब 1 रुपया कबूँ कम दो, 6-4 हज़ार रुपया जे मिलने लगे पहले दिन, समझो जा तो। अच्छा, तो मतलब आपके अकाउंट में 6 हज़ार रुपये आए हुए हैं, हाँ, आ चुके हैं? 4 हज़ार आ चुके और आ जाए। अच्छा, 4 हज़ार आ चुके, और जो बाकी हैं वो? वो आ जाए। अच्छा, वो भी उसका आ सांसद जाएंगे। कौन मतलब आगे तक जाएगा? करनौल से हमारे यहाँ से सुब्रत पाठक आएंगे, क्योंकि आज दिन तक हमारे यहाँ डिम्पल कभी भी क्षेत्र में नहीं दिखाई दी। केवल इलेक्शन के टाइम तो उनके रोड शो हो जाते हैं और बड़ी बड़ी रैलियाँ हो जाती हैं एक दो जगह पर, बस। इसके बाद कभी 5 साल में कभी आज दिन तक उनके दर्शन नहीं हुए हैं, और कोई भी कार्य केवल यादवों के गांव को छोड़कर किसी भी गांव में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। अच्छा, तो आप हमें ये बताएं कि सुब्रत पाठक जी की सरकार ने आपके लिए क्या क्या मतलब की सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं आपके लिए? हमारे यहाँ सुविधाएं क्या, वो तो सारी जनता के सामने है। जब से बच्चा पैदा होता है और एंड तक की, ऐसी कौन सी सुविधा जो मोदी सरकार ने जनता के बीच में नहीं दी है? बच्चा पैदा होने से लेकर और आदमी के अंत तक का इलाज फ्री, खाना फ्री, बच्चों की ड्रेस फ्री, शिक्षा फ्री, और क्या चाहिए? हमारे यहाँ कन्नौज से सुब्रत पाठक जी ही निकलेंगे और सुब्रत पाठक जी ही सांसद बनेंगे, क्योंकि यहाँ बीजेपी का ही माहौल रहा है और मोदी की सरकार बनेगी। मोदी जी हमारे लिए, मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। ये क्या क्या किए फायदे हमारे यहाँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी फायदा किसान लोगों को हुई है और हर तरीके की फायदा मिली रही। किसानों के लिए कौन सी फायदा हुई है आपको? किसानों के लिए फायदा क्या, किसानों के लिए सारी फायदा ही फायदा है, और क्या। लाइट आ रही है, परमानेंट लाइट रहती है यहाँ। परमानेंट रहती, कितने घंटे तक रहती होगी यहाँ? लगभग 20 घंटे लाइट रहती है। 20 घंटे? हाँ। और कुछ? और 4 हज़ार रुपये किसानों के अकाउंट में आने लगे हैं, 6 हज़ार आते हैं साल में, हर चौथे महीने 2 हज़ार रुपये आ जाते हैं। वो भी एक इन्होंने बनाया जो नियम, वो भी सही बनाया है, और किसी सरकार में कुछ भी नहीं आ रहा था। और जो बाकी जो पैसे हैं वो कब तक आपके अकाउंट में आ जाएंगे? हमारे किसान भाइयों के अकाउंट में 2-2 हज़ार करके आ चुके हैं, और अगले महीने फिर आ जाएंगे 2 हज़ार रुपये। हाँ, वैसे हमारे यहाँ तो सुब्रत पाठक जी का ज़्यादा अच्छा मामला। अच्छा, मतलब इतने यकीन के साथ आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसा है? अपने डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में, इस हरियरपुर गांव में जी, कभी भी कई सालों से हमारे माननीय जो है मंत्री विधायक सांसद बने रहे, उसके बाद में उनकी पत्नी डिम्पल सांसद बनी। सड़क रुक गई तो फिर कभी भी इस गांव में एक भी सोलर लाइट नहीं लगी। अच्छा, ना कोई उनका जो है एक भी हैंडपम्प लगा। अच्छा, तो मतलब आपका ये कहना है कि जो ये मतलब सोलर सिस्टम है वो बीजेपी की सरकार में ही लगाए गए? बस, ये तो हमारी बीजेपी सरकार में ही इतना हुआ। गांव के लिए बढ़िया सा रोड हो गया, रोड और सोलर लाइट लग गई, एक दो हैंडपम्प भी लगे हुए हैं, अभी काम जारी है अभी। तो हमें तो यही लगता है कि भाजपा 2019 में सरकार मोदी की ही आएगी। अच्छा, चाहे अच्छा। कुछ भी कोई कितना करे, चाहे अखिलेश जी करें, चाहे मायावती जी करें, चाहे राहुल जी करें, सरकार मोदी जी की ही बनेगी। अच्छा, मोदी जी की बनेगी जी। तो मतलब आपके लिए मोदी जी की सरकार ने क्या क्या मतलब की लाभ हुए हैं? जो लगभग उनको देने मेरे को मिलने लायक थे। अच्छा। वो सुविधाएं मिल रही हैं। क्या क्या मिला आपको? हमें तो एक सिर्फ लेटरिन मिली 12 हज़ार रुपये, और अच्छा, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ देश हित के लिए। वो हमारी माननीय श्री राज्य मंत्री, क्यों नहीं हो पाया उसके पात्र में, इसलिए नहीं हो पाया कि हमारी माननीय राज्य मंत्री अर्चना पांडे ने मेरे यहाँ कोई सुविधा देने लायक कोशिश ही नहीं की। सुविधाएं तो बहुत आती है केंद्र से, मोदी जी भेज रहे, लेकिन हमारी मंत्री महोदय जो हमारी बहन जी लग रही है, इन्होंने पूरे गांव का माहौल ही बिगाड़ दिया। अच्छा। और आगे विधानसभा होने वाले चुनाव में इनका रिजल्ट सबसे कम होगा, इससे ज्यादा सपा का रिजल्ट होगा। अच्छा, सपा का। हाँ।
मतलब कि सपा का होगा लेकिन भाजपा का माइनस हो जाएगा। अच्छा भाजपा का माइनस हो जाएगा। हाँ, ये व्यक्तिगत केवल पाठक जी की और मोदी जी की लहर से ये वोट हमारे गांव पड़े। लगभग वोट 744 वोट हुए हैं, उसमें से लगभग 600 के आसपास बीजेपी पाठक जी के पक्ष। अच्छा, तो मतलब अभी आप कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार आएगी, अब आप कह रहे हो कि पता है एसपी की आएगी सरकार। तो एसपी की तो आने नहीं इसमें लोकसभा। अच्छा। मैं विधानसभा की भी साथ में बोल दिया ना। अच्छा अच्छा अच्छा, विधानसभा में अपनी बहन जी के लिए बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी प्रकार से मेरी अगर आवाज उनके दिल पहुंच जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, आवाज तो आपकी पहुंच जाएगी प्रॉपर। हाँ, क्योंकि हमारे दरवाजे पे एक हैंड पाइप लगा है, एक साल से पानी नहीं दे रहा। अच्छा, और हम लोग मरे जा रहे प्यासों। किसी प्रकार की बहन जी की तरफ कोई सुविधा नहीं। अच्छा, कोई भी सुविधा नहीं है। कोई भी सुविधा नहीं, 3 साल हो चुके हैं। तो मतलब आपने कंप्लेंट वगैरह नहीं की थी? कंप्लेंट का डायरेक्ट मुलाकात की जाके। अच्छा, डायरेक्ट। तो वो क्या बोले? किसी चीज में कोई ध्यान नहीं। हमारे ग्राम कोई ध्यान ही नहीं। ग्राम प्रधान तो होगा ही, मतलब कुछ तो कहा, लेकिन ग्राम प्रधान ही नहीं ध्यान देता। क्यों? ग्राम प्रधान जो है प्रधान प्रतिनिधि विवेक दीक्षित। अच्छा, विवेक। हाँ, वो सबसे ज्यादा बहन जी के सर्वोपरि हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, इस वजह से वो कह देती है विवेक तुम देख लेना। और विवेक ने गांव में की कोई खुद भी कोई भी विकास विवेक ने भी नहीं किया। कोई भी विकास? अच्छा अच्छा। जबकि प्रधान प्रतिनिधि है विवेक दीक्षित, लेकिन कोई बढ़िया प्रोग्रेस नहीं हुई। अच्छा, अच्छा। लेकिन मोदी जी के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मोदी जी के अलावा कभी वोट नहीं मिलूंगा। और इधर सब बढ़िया है, लेकिन मोदी और सुब्रत पाठक की वजह से ये सारे हमारे हरियाणा में हो रहा है। अच्छा, कोई सरकार आए बाकी नहीं। अच्छा, तो पाठक, सुब्रत पाठक। अच्छा, सुब्रत पाठक जी, मतलब आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि सुब्रत पाठक ही इस बार बनेंगे? हमारे गांव का ऐसा है, मतलब वो टोटल गया वहाँ, मतलब मोदी जी ने किए कार्य। अच्छा अच्छा, मोदी जी, मतलब फिर भी सब काम बढ़िया किए उन्होंने। कार्य ये किए, सबको गैस कनेक्शन करा दिए, लेटरिंग दे दी। कहना है जो कन्नौज सांसद है, कौन जीत रहा है इस बार, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सुब्रत पाठक 80% वोट पर हो, इसलिए चुना था कि काम बढ़िया चल रहा है यहाँ भाजपा का। कौन से काम अच्छे हुए यहाँ? मान लो सब सुविधाएं हो गई, बिजली की सुविधा है, लेटरिन सुविधा, गैस सुविधा, ये सब सुविधाएं दी गई हर घर में हो गई। गैस की सुविधा हर घर में, गैस की सुविधा है हर घर में, बिजली की सुविधा है। अच्छा, जब बिजली, मतलब कौन सी फायदा की हुई है मोदी सरकार के लिए? मिली और देखो खेत वाली पैसा मिली। पैसे आपको कितने मिले? 2000 रुपये। अच्छा, 2000। और भी आने वाले हैं क्या? अब पता नहीं, हमने तो सुना। तो हमारे यहाँ ठीक रहा है, बीजेपी का रहा है ज्यादातर, लेकिन ये बात है सबसे ज्यादा हमारे यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, ना मतलब विधायक देखने वाला है, ना कोई क्षेत्रीय नेता देखने वाला है, ना कोई प्रधान देखने वाला है। हमारे गांव की वो स्थिति है, ना कोई कर्मचारी यहाँ आता है सफाई के लिए, और ना ही कोई भी गली भी आज दिन तक ऐसी पड़ी है, और इतनी बीमारियां फैल रही हैं सीमा से ज्यादा, आदमी तबाह है। मतलब आपने कंप्लेंट वगैरह नहीं की थी? 2-4 बार कई बार कंप्लेंट ने किए हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। कोई भी नहीं हुई? कोई कभी हम अभी एक 2 बार डीएम साहब से की थी, तो उन्होंने 3-4 बार जब मतलब कार्रवाई की, तो बोर एक सिर्फ नाली बन पाई है। मतलब 5 साल पूरे 5 वर्ष में कार्यकाल में एक ही नाली सिर्फ बनी है जगदीशपुर मौजे में। अच्छा, और इसके बाद में आपको दिखाते हैं आगे, और गलियों की क्या दशा है, दुर्दशा। चलिए चलिए। के अलावा यहाँ से कम से कम 10 वर्षों से विगत 10 वर्षों से कोई भी कार्रवाई मतलब करते भी हैं, कोई सुनने वाला भी नहीं है। अच्छा, कई बार हमने प्रधानों से कहा है, यहाँ देखने तक नहीं आते हैं, वोट लेने के बाद कोई भी अधिकारी नहीं आता है, कोई भी मंत्री नहीं आता, कोई भी विधायक नहीं आता, कोई मतलब क्षेत्रीय नेता तक नहीं आता। तो इतनी गंदगी है कि पूरा ये मोहल्ला हमारा मतलब बीमारियों से क्षतिग्रस्त है, और जबकि स्वच्छता अभियान चल रहा है, और आज दिन तक हमारे यहाँ कोई भी अधिकारी नहीं आया देखने के लिए।